ना दाल को देखकर लग रहा होगा आज इसका क्या बनने वाला है, या तो दाल ही बनने वाली होगी। आज चना दाल से हम दाल नहीं बनाएंगे, ऐसी चीज बनाएंगे जो आप सभी को बेहद पसंद आएगी। अक्सर हम लोग कई टाइप के पकौड़े बनाते हैं। पकौड़े खाना किसको पसंद नहीं आता, सभी लोग दीवाने होते हैं पकौड़े के। जब मेहमान आते हैं तभी नहीं, घर में जब भी बहाना हो पकौड़े तो बन ही जाते हैं। लेकिन आज पकौड़े थोड़े से डिफरेंट है। इस पकौड़े की खास बातें क्या है, इसे आप अधकचा बनाकर भी रख सकते हो और पूरा वीक एंजॉय कर सकते हो। इसे आप कड़ी में भी बनाकर यूज कर सकते हो। आप इसे रसे वाली ग्रेवी में भी बना सकते हो। बहुत अमेजिंग है। और खास इसके साथ जो चटनी है ना, वो हमारे यहाँ की फेमस है, उसे जरूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ चना दाल मैंने एक कटोरी भिगो के रखी है। 3-4 घंटा पहले भिगा के रखोगे ना तो ये पकौड़े काफी अच्छे बनेंगे। और बिना पानी के, मतलब 1/2 चम्मच पानी के, आप इसको अच्छे से पीस लीजिए। और इसे हम पीस लेते हैं। पीसते टाइम मैंने इसमें थोड़ी अदरक डाल दी है। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ तो उसमें बहुत ज्यादा मुझे मिर्ची नहीं डालनी है, तो मैं मिर्ची अलग से बाद में तलूंगी। अंदर से मैं हरी मिर्ची नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि आज कुछ मेरे यहाँ बच्चे खाएंगे चने दाल के पकौड़े को। तो आपके यहाँ भी कभी ऐसा हो ना कि बच्चे खाने वाले हैं तो आप अंदर हरी मिर्च न डालें, और खुद को खाने हैं तो अंदर आप पीसते टाइम ही 3-4 हरी मिर्ची भी डाल सकते हो। 2 बैच में मैंने इसे पूरी दाल को पीस लिया है। पीसते टाइम आपको ध्यान ये रखना होगा कि बहुत ज्यादा महीन पेस्ट तो नहीं करना है, लेकिन दरदरा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेसन के तो अक्सर हम पकौड़े बनाते रहते हैं, आज इस टेक्सचर से आप पकौड़े बनाइए। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा फेंटना वगैरह नहीं है। दाल को मैंने निकाल दिया एक बड़े बोल में। एक बड़ा सा प्याज था मेरे पास जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है, और मैंने इसमें हरा धनिया खूब सारा बारीक कट करके डाला है, और करी लीव्स को डाल दिया। हरी मिर्च मैं अभी भी नहीं डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा। 1/2 चम्मच अजवाइन को मैं यहाँ पर हाथों से क्रश करके इसमें डाल रही हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड के यहाँ ये जब भजिए खाए थे तो मुझे बेहद पसंद आए थे। इसमें थोड़ा सा आप हींग पाउडर भी डालें, और डाल दें नमक। क्योंकि मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप हरी मिर्च डालते हो ना तो फिर आप लाल मिर्च स्किप कर दें। मेरी एक फ्रेंड है, साउथ इंडियन तो नहीं है लेकिन साउथ में बचपन से रही है, उसके यहाँ भी मैंने खाए थे होली के टाइम, मुझे बड़े पसंद आए तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करती हूँ। अब आपने देखा इस दाल को हमने बहुत ज्यादा फेटा भी नहीं, बहुत कम मसालों से मैंने इसे बनाना है। अब तलते टाइम खास बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बेसन के पकौड़े नहीं है, ना हमने मीठा सोडा बेकिंग पाउडर कुछ नहीं डाला है, ऑयल भी नहीं डाला है, ये अंदर तक पके। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको ना बहुत ज्यादा तेज धुआंदार ऑयल में नहीं बनाने हैं। मीडियम ऑयल गरम हो, लेकिन फिर तलते टाइम इसका गैस का फ्लेम थोड़ा स्लो कर देना है। इसे आराम से पकने दीजिए। और यहाँ देखिए मैंने चम्मच से डाले ना, बड़ी आसानी से बिगनर्स भी इसे बना सकते हैं। अब अनइक्वल शेप में जब ये बनते हैं ना, बहुत ही स्वाद बनते हैं। ये गोल्डन होने में कम से कम 3-4 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे पकते हैं। अभी रमजान का महीना चल रहा है, शाम के टाइम चाय के साथ बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है ये। अब देखिए जब मैं दोबारा इसमें मंगौड़े डाल रही हूँ ना ये पकौड़े, तो मैंने गैस को बंद कर दिया है क्योंकि गर्म था थोड़ा ऑयल। अब गैस बंद है ना, मैं चम्मच से धीरे धीरे डाल रही हूँ। जब इसमें लगेगा कि गैस को ऑन करना चाहिए तो फिर मैं गैस ऑन कर दूंगी, वो भी स्लो फ्लेम पे। ये ऑयली भी नहीं बनते, ये खास बात है इन पकौड़े की। आप इन्हें वड़े भी कह सकते हो, वैसे पकौड़े कहना मेरे लिए ठीक है क्योंकि बिल्कुल पकौड़े के शेप में हैं। बहुत स्वाद बनते हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया। इसे हम खास चटनी के साथ बनाएंगे, और एक चीज आखिर में भी इसके साथ करने वाले हैं, वो भी बड़ी अच्छी लगेगी इन पकौड़ों के साथ। शाम को कभी मन करे ना कि खाना नहीं बनाना है तो बस ब्रेड के साथ भी इसे खाया जा सकता है। इसी तरीके से गोल्डन होने दीजिए और इन्हें फ्राई करते रहिए। हम जगह जगह जहाँ जाते हैं कई टाइप के मंगौड़े पकौड़े या जो भी स्नैक्स खाते हैं उसे घर में ट्राई करने का मन करता है। मेरा तो ऐसा ही करता है, आपका करता है या नहीं,
मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और फिर मैं जब घर में ट्राई करती हूँ, मुझे बढ़िया रिजल्ट मिलता है, तो फिर मैं उसे बनाना भी शुरू कर देती हूँ, आपके साथ शेयर करना शुरू कर देती हूँ। इस मंगोड़े में एक और भी बात है कि ना, इसे आप अधकचा भी बना के रख सकते हो। जैसे कि आज आपको इतने नहीं चाहिए, थोड़े चाहिए, बाकी आपको बाद में चाहिए, तो आप अधकचे बना के रख दीजिए। पर हाँ, दाल को हम रख नहीं सकते ना, तो इसे अधकचे बनाइए। अभी मैं आपको हाथ से भी डाल के दिखा रही हूँ, क्योंकि हाथ से भी अगर डालना चाहें तो आप इस तरीके से छोटे छोटे बना लीजिए। अभी बाकी जो बचे हैं ना, इन्हें मैं अधकचे, देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। आप कढ़ी बनाते हो, कढ़ी में ये पकौड़े तल कर डाल सकते हो। नॉर्मल टमाटर की जब ग्रेवी बनाते हैं, कुछ सब्जी समझ नहीं आ रही, इन मंगोड़ों को तला हुआ डाल सकते हो, बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये जब अधकचे सिक जाएं, तब आप इस तरीके से एक बॉक्स में निकाल के रख दीजिए। ठंडा करने के बाद इस बॉक्स को बंद करके जब फ्रिज में रख देंगे ना, 1 वीक तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसे इंजॉय कर सकते हो दोबारा फ्राई करके। मैंने बोला था ना आपसे, यहाँ पर तेज गैस कर लीजिए, तेज गैस में ना करी लीव्स को फ्राई कर लीजिए। और हरी मिर्च जो मेरे पास 2 है ना, उन्हें मैंने 4 पीस में कट कर लिया है, उन्हें भी मैंने फ्राई कर लिया है। अब चलते हैं हम एक चटनी बनाने के लिए। चटनी ये खास तरीके की चटनी बनाऊंगी। हमारे यहाँ एक ये सूखी चटनी बनती थी, और ये समोसे पकौड़े किसी के साथ भी खाई जा सकती थी, तो वो मैं कैसे बना रही हूँ वो मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने लिया सूखा साबुत धनिया, 1 चम्मच लिया जीरा, 1 चम्मच लिया मोटा वाला सौंफ, 4-5 सूखी साबुत लाल मिर्च को हल्का सा मुझे सेकना होगा। जब हल्की सी खुशबू आ जाए, तब आप गैस बंद कर दीजिए और इसे थोड़ा ठंडा कर दीजिए। यहाँ मैंने लिया है धनिया और पुदीना, मतलब करीब करीब 1 कप धनिया था, कुछ पत्ते पुदीने के थे, 2 हरी मिर्चें, थोड़ी सी करी लीव्स हैं। यहाँ मैंने 4 लहसुन के पीस डाले हैं, 1 प्याज डाल दिया है। आप चाहें तो प्याज और लहसुन को स्किप कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर कैरी, जो कच्चा आम होता है ना, उसे मैंने यहाँ पर यूज किया है खटाई के लिए। और ये मसाला भी जो ठंडा हो गया, वो भी मैं इस मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। बस अब हमें सिर्फ और सिर्फ नमक डालना है, साथ में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। वैसे चाहे तो बिना पानी के भी इसे जब बनाओगे ना, तो बहुत सूखी ड्राई चटनी बनती है, पर मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दिया है। ये बाहर से पहले ही बड़ी इतनी अट्रैक्टिव लग रही है, जब बनेगी कितनी अच्छी बनेगी। चटनी बनकर तैयार हो गई है, लीजिए मैंने तो सर्व कर लिए। आप इसे कब बना रहे हो, किस ओकेजन के लिए बना रहे हो और किसके लिए बना रहे हो, ये जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।